रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज की बंपर आवक प्रतिदिन हो रही है। सैकड़ों ट्रॉली में भरकर नया पुराना प्याज मंडी में आने से प्याज के भाव लगातार गिर रहे हैं। किसानों को हल्के और मध्यम गुणवत्ता वाले प्याज का कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा है। ऐसे प्याज का न्यूनतम मूल्य 50 रुपए प्रति क्विंटल रहा है। किसानों का कहना है कि मंडी में लाने का भाड़ा तक नहीं निकल पा रहा है। इस तरह के व्यवहार से किसानों ने सरकार पर रोष व्यक्त किया है। मौसम खराब होने से किसानों को कृषि मंडी में दोहरी मार भी सहना पड़ रही है। बारिश की आशंका से खुले में पड़ा प्याज खराब होने की चिंता भी किसानों को सता रही है। वहीं प्याज की खेती करने वाले किसान गिरी हुई कीमतों की वजह से लागत मूल्य भी नहीं निकाल पा रहे हैं। सर, आज प्याज नीलाम हुआ है मंडी में, भाव जो है बहुत काफ़ी कम गिर गए हैं, कम आए हैं, 50 पैसे किलो तक प्याज बिका है, क्या वजह रही है इसकी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अभी नई प्याज आ रही है जो नासिक के रूप में आती है, वो प्याज शुरू हो गई है और अच्छी खासी आ रही है। पुराने प्याजें अब क्या है, थोड़ी ख़राब आने लगी है, उभरी है प्याजें। और जो आप बता रहे हैं कि 50 पैसे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कुछ लाट आ जाते हैं जो छटनी के किसानों के पास रखे हुए हैं, वो बिल्कुल छोटे दाने या सड़े हुए या उगे हुए दाने हैं, उनका 1 रुपये या 50 पैसे जो भी हो उसके भाव है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नई प्याज आ रही है करीबन अभी 2200 तक बिक्री है, और पुरानी प्याज अच्छी क्वालिटी वाली भी करीब 800 से 1500-1600 तक बिक्री है। अभी मंडी में आवक कितनी है प्याज की? अभी करीबन होंगे 10,000 कट्टे, यानी 5,000 क्विंटल के आसपास। कहाँ कहाँ से किसान आते हैं यहाँ पर? अभी तो लोकल ही आ रहे हैं आसपास के सभी किसान। और इस तरह से जो 50 पैसे या 1 रुपये किलो जो प्याज बिक रहा है, ऐसे प्याज तो पहले ही नीलाम में शामिल क्यों किया जाता है? नहीं, किसान का रहता है कि कुछ भी वो लाता है छटने करके या ग्रेडिंग करके, तो उनका उद्देश्य रहता है कि बिक जाए और अपना कुछ तो पैसा मिले और फेंकने की बजाय, इसलिए ले आता है किसान। क्या हुआ फिर आपके साथ? क्या हुआ, 50 रुपये कुंटल खरीदे हमारे प्याज, 200 रुपए मजदूर के लेते हैं, 100 रुपए गाड़ी वाले लेते हैं, तो हमारे 300 रुपए कुंटल का तो खर्चा है इसमें, तो क्या कमाए हम इससे? और हमारे जैसे बहुत मजदूर है जो उनको ये इस भाव में प्याज बेचने पड़े। कितने किसान होंगे ऐसे? बहुत सारे होंगे। और खर्चा क्या है इसमें? आधा खर्चा खाद बाजू, रात को पानी अलग, और काटने की मेहनत अलग। 6,000 बीघा का चौपाई है, 6,000 रुपए बीघा की चौपाई है इसमें। रात भर जग के पाणत करनी, प्याज को काटना, गाड़ी में डालना, मतलब बहुत सारी मेहनत ऐसी, फिर भी हमारा प्याज 50 रुपये कुंटल, इसका कारण क्या? सरकार से क्या चाहते हो? क्या सरकार से चाहते हैं? सरकार तो हमें मतलब एक तरफा निपटाने के चक्कर में, सरकार से क्या चाहे हम? सरकारी तो निपटा रही है, किसान की हो ही नहीं रही सरकार। बात बताओ। वाजागर से आया हूँ, प्याज लेके आया था, 50 पैसे किलो बिका है। इतने कम भाव आने की वजह क्या है आपके? बस थोड़े छोटे और मौसम की मार है, कुछ बनियों की चाल है। प्याज की फसल आपने बोई थी, कितने बीघा में बोई थी और क्या लागत निकल गई, क्या बताओ? कुछ भी नहीं निकला। फिर क्या करें? पर किलो पे कितना खर्चा आता है आपका? 8 रुपये किलो का। उम्मीद क्या थी आपको यहाँ प्याज की? 15 रुपये बिकने का था, नहीं बिका। फिर क्या करें? आपको प्याज की फसल में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ? घाटा ही घाटा है। क्या क्या करोगे आप? क्या करें आप? सरकार से कुछ चाहते हो आप लोग? क्या देगा सरकार भी, छीनने को ही बैठी है वो भी हमसे। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वरा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।